हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑर्गोनोमेटली कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। ऑर्गोनोमेटली कंपाउंड में जो भी कार्बोनाइल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पर हमने उनको क्लासिफाई किया है। नंबर फर्स्ट, मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल। मोनोन्यूक्लियर मतलब कि जिसमें एक ही न्यूक्लियर मेटल न्यूक्लियर एटम है, ये एक ही मेटल है। बाई न्यूक्लियर, इसमें दो मेटल एटम है। ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल, थ्री मेटल एटम। टेट्रा न्यूक्लियर मेटल मतलब फोर मेटल एटम प्रेजेंट है। कंपाउंड हम देखते हैं मोनोन्यूक्लियर मेटल क्रोमियम कार्बोनेट। ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो क्रोमियम का कितना क्लास है। कंपाउंड होते हैं जो कि फॉलो नहीं कर रहे हैं वो फिर स्टेबल से। फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं Mn इलेक्ट्रॉन जो कि एग्जिट नहीं करता है, ये अनस्टेबल हो गया। फॉलो करना पड़ेगा जिससे स्टेबल हो जाए और फॉलो करें। इसके लिए सबसे पहले करना पड़ेगा कार्बोनेट ना दे हम देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मैंगनीज एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। मतलब क्या होता है जिसमें चार्ज सेवन मेटल का हो गया इसका हो गया 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने लग गया, मतलब इससे कॉम्प्लेक्स बन गया। फर्स्ट क्या करेंगे, फॉर्म कार्बोनाइल होता है। सेकंड या तो फिर इसका डायमराइज करेंगे, उसके द्वारा भी स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। डायमराइज करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले करेंगे तो एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा जिसमें अब इसका इलेक्ट्रॉन कर देंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, टेन कार्बोनाइल 20
सचिन में और कोई टर्मिनल ब्रिज नहीं रहेगा, सारे टर्मिनल रहेंगे यहाँ पर, जो ब्रिज मेले यहाँ पर कोई भी ब्रिज नहीं रहेगा। मेटल बॉन्ड ब्रिज सीओ स्टेबलाइज करा सकते हैं। वन इलेक्ट्रॉन इट कैन रिएक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन डोनर, इसकी भी हम इलेक्ट्रॉन डोनर के साथ रिएक्शन हाइड्रोजन कराते हैं इसको एच सी ओ वन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर को फॉलो करता है। न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स कौन होता है? न्यूक्लियर मेटल 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 बॉन्ड तो एक ही इसमें मेटल मेटल बॉन्ड वन सीओ जीरो टर्मिनल टेन कुछ कार्बोनाइल ऐसे होते हैं जिनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बायोन्यूक्लियर जो मेटल मेटल उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सॉलिड फेज में इसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है और सॉल्यूशन फेज में इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो देखते हैं ये कार्बोनाइल कौन सा है। कोबाल्ट का ही रहेगा, ये कोबाल्ट का देखा है अभी हम लोगों ने। कोबाल्ट ये बायोन्यूक्लियर होगा ना कोबाल्ट का COCO8 इसका सॉलिड फेज, ये सॉलिड फेज ब्रिज दो ब्रिज सीओ है और सॉल्यूशन फेज में कोई भी
कोई भी ब्रिज नहीं है। तीसरा थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं फॉलो कर रहे हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि 9 माइनस 18 16 और प्लस 2 आयरन में कितना होता है 8 8 8 16 प्लस 2 मेटल मेटल बॉन्ड के लिए प्लस 18 6 36 इधर भी वही है मेटल मेटल 18 इसका 18 इसका 16 प्लस 2 मेटल मेटल बॉन्ड के लिए 2 ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल से कौन से होते हैं ये ट्राई न्यूक्लियर FE3 CO2 देखते हैं कि आयरन का जो है आयरन में ज्यादा CO क्यों है यहां पर इसमें दो CO है आयरन इसमें CO है मेटल मेटल बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड कितना है यहाँ पर 1 2 3 मेटल मेटल बॉन्ड और ब्रिज सीओ और ब्रिज सीओ टर्मिनल 3 6 7 8 9 10 यहाँ पर देखते हैं एक भी ब्रिज सीओ नहीं कार्बन तिल कोई भी ब्रिज नहीं है जैसे जैसे हम डाउन तो ग्रुप आते हैं जैसे जैसे उनका ब्रिजिंग जो ब्रिजिंग प्रॉपर्टी कम होती है डिक्रीज होती जाती है या फिर ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती है जैसे डाउन तो होता है उस तरह हम माने चाहे जो नंबर ऑफ ब्रिज डिक्रीज होता जाता है मेटल 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 वन थ्री reaching CO terminal 12 trick kya hai yahan par slice increase reaching property ya phir number of bridge decrease karta hai that's number 3 slice छोटा है इसमें ब्रिज सीओ ज़्यादा ब्रिज का साइज ज़्यादा बड़ा है इसलिए उसका ब्रिजिंग नंबर ऑफ ब्रिज सीओ डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर ट्रू ब्रिजिंग सीओ यहाँ पर कोई भी ब्रिजिंग सीओ नहीं है अब देखते हैं टेट्रानिक प्लेयर में क्या होता है टेट्रानिक प्लेयर में
फोर बॉन्ड मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, फाइव बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मेटल मेटल वन वन टू टू थ्री फोर फाइव करके देखेंगे सिक्स मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं मेटल मेटल कितनी बॉन्ड प्रेजेंट है, ये फोर बॉन्ड मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मेटल मेटल बॉन्ड ब्रिज यो जीरो टर्मिनल सिक्सटीन जीरो। अब फाइव बॉन्ड देखते हैं कि फाइव बॉन्ड स्ट्रक्चर किस रहेगा, उसमें क्या रहेगा मेटल जीरो कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, उसे आप आगे करते हैं मेटल मेटल सिक्स बॉन्ड के लिए कैसा रहेगा। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। हम देखते हैं इसका दूसरा एग्जांपल, न्यूक्लियर के दो और एग्जांपल हैं, मेटल मेटल बॉन्ड सिक्स बॉन्ड मेटल सिक्स बॉन्ड और जब थ्री ब्रिज थ्री टर्मिनल थ्री सिक्स सेवन एट नाइन
इसमें देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. मेटल बॉन्ड 6 ब्रिजिंग 2 ब्रिजिंग 0 टर्मिनल. अब देखते हैं हेक्सानुक्लियर कंपाउंड. हेक्सानुक्लियर मेटल का कार्बोनिल में है ज्यादा वाल्ड सिक्सटी कार्बोनाइल फिर रेडियम रेडियम सिक्स हेक्सारेडियम सिक्सटी कार्बोनाइल. इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इतना लेंथ कम में नहीं आता है. मेटल बॉन्ड 12 में टर्मिनल CO 12 और ब्रिज CO 4. ये देखो देखो देखेंगे एक पे तो ये रबर ये देखिए आ जाते हैं ये ब्रिज ब्रिज सेकंड सेकंड में एक ये मेटल मेटल ये सेकंड से ब्रिज ब्रिज थर्ड ये और फोर्थ ये ब्रिज ब्रिज CO. Yeah. Thank you.